Hi coders. So guys, this video we learn about what is front-end development and how to become a front-end developer. So let's code it, guys. So guys, what is front-end? Front-end is a front part of a website. और यूज़र उसको इंटरेक्ट कर सकता है, यूज़र उसको देख सकता है. फॉर इंस्टेंस अभी आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे दिख रहा होगा लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब. तो ये सब फ्रंट एंड है. सो गाइज, वो बटन आपको सिर्फ देखने नहीं है, उसको हिट भी करना है. सो हिट द सब्सक्राइब बटन. भाई ने बोला करने का तो करने का. सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज वर्क ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर. सो फ्रंट एंड डेवलपर एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाता है, मींस उसका ढांचा. उसके बाद उसमें कलर, डिजाइन, लेआउट वो सब ऐड करता है एंड उसमें फंक्शनैलिटी और लॉजिक भी वो डालता है एंड मेक श्योर करता है कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए. सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिव मीन्स जो आप वेबसाइट एक पीसी में देखते हो, एक मोबाइल में देखते हो, एक लैपटॉप में देखते हो, तो वो एक सही लेआउट में होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव. सो राइट नाउ देर आर सेवरल टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, पर हम बात करने वाले हैं टॉप 3, HTML, CSS एंड JavaScript. सो दीज इज अ बेस, मे बी यू कैन से द फाउंडेशन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर. सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. So what is HTML? HTML is a one type of a structure of a website. For instance, अब आप कोई एक हाउस या कोई बिल्डिंग देखेंगे तो उसका एक ढांचा होता है, उसको कहते हैं हम HTML. उसके बाद आती है CSS. तो CSS provide style, color. For instance, the wall of a color. And कौन सी पेंटिंग किस दीवार पर लगेगी, कैसा कलर होगा, वो सब आता है CSS में. And last is JavaScript. JavaScript provide a functionality and logic to website. For instance, जब हम एक स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है और उसको हम ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है. तो इसको हम लॉजिक कहेंगे और फंक्शन कहेंगे. सो दीज थ्री थिंग्स आर फाउंडेशन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर. सो सबसे पहले हमको एक कोड एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा. सो व्हाट इज कोड एडिटर? कोड एडिटर इज वन टाइप ऑफ डिजिटल नोटबुक. सबसे पहले हम वो डाउनलोड करेंगे. वन ऑफ माई फेवरेट इज VS Code बिकॉज इट्स फ्री एंड प्रोवाइडेड बाई माइक्रोसॉफ्ट. सो हम उसको डाउनलोड करेंगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप, HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. जैसा मैंने आपको बताया कि HTML एक स्ट्रक्चर है. सो गाइज, आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीखना चाहते हैं तो हियर इज गुड न्यूज फॉर यू. गीक्स फॉर गीक्स प्रोवाइड 25% ऑफ डिस्काउंट फॉर देयर ऑल कोर्सेस. सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर सेवरल कोर्सेस. फॉर इंस्टेंस इंटरव्यू प्रिपरेशन, डेटा साइंस, DS, एल्गो, DevOps, उसके बाद है जावा, C++, JavaScript, मास्टर इन C एंड AWS. सो दीज ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज प्रोवाइडेड बाई गीक्स फॉर गीक्स एंड ऑल्सो आपको दे रहे 25% ऑफ यूजिंग माई कूपन कोड Ravi25. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, तो आप जाकर उसको चेक इट आउट कर सकते हैं. सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक एंड डेवलपमेंट कोर्स, उसमें हम क्लिक करेंगे. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन. उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा. अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अब हम स्क्रॉल करेंगे तो दिया हुआ है कोर्स ओवरव्यू. आप देख सकते हैं की हाइलाइट्स और प्रोजेक्ट बिल्डिंग. गीक्स फॉर गीक्स ने प्रोवाइड किया है कोर्स करिकुलम, मींस कोर्स कंटेंट. आप यहाँ पे देख सकते हैं week 1, week 2 ऐसे वीक वाइज पूरा दे रखा है, कौन से वीक में हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे. सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू परचेस दिस यूजिंग माई कूपन कोड. सेकेंड इज ए CSS. CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट. सो वॉट इज CSS? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने आगे देखा था कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम HTML कहते हैं. तो इस बिल्डिंग में कौन सा कलर होगा, किस दीवार पे क्या लगेगा, कौन सा फर्नीचर होगा, तो वो सब एक CSS होता है. सो nowadays मोस्ट ऑफ कंपनी यूज देयर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क. फॉर इंस्टेंस Bootstrap, Tailwind CSS, React Native. सो मैं आपको एडवाइस करूँगा. सो सबसे पहले आप एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनाइए HTML, CSS और JavaScript में. उसके बाद आप फ्रेमवर्क सीखिए. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेमवर्क इज React Native एंड Bootstrap. आप दोनों में कोई भी एक सीख सकते हैं और Tailwind CSS भी अवेलेबल है. सो आपको जो अच्छा लगे वो आप सीख सकते हैं. उसके बाद आता है JavaScript. JavaScript provide a functionality to the website. I said previously the example of a switchboard. उसने मैंने कहा था कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तब लाइट ऑन होती है और ऑफ करते हैं तब ऑफ होती है. तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे कोड हुआ होता है, तो उसको हम करते हैं जावास्क्रिप्ट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमको सीखना होगा फंडामेंटल ऑफ जावास्क्रिप्ट. उसमें आएंगे एरे, स्ट्रिंग, लूप्स. उसके बाद हम सीखेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. उसमें आएगा असिंक, अवेट, प्रोमिसेस एंड मैनी मोर.
द नेक्स्ट स्टेप इज मेक अ प्रोजेक्ट. सबसे पहले हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, हम क्लोन बनाएंगे. क्लोन मीन्स ए वन टाइप ऑफ अ कॉपी. अमेजोन का क्लोन हो गया, फ्लिपकार्ट का क्लोन हो गया, वो सब हम क्लोन बनाएंगे. उसके बाद हम सीखेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम. अब आपको एक क्वेश्चन होगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? सो आपने गिट और गिटहब का नाम सुना होगा. अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि गिट और गिटहब का यूज कैसे होगा. फॉर इंस्टेंस हमारी कोई टीम है 5 मेंबर की, तो उसमें 4 पर्सन कोड करते हैं, तो वो कोई इंडिविजुअल कोड नहीं कर रहा होता है, सबको रेफरेंस और फाइल शेयर करनी होती है, तो उसके लिए गिट और गिटहब का यूज होता है. सो गाइज, आप गिट और गिटहब सीखना चाहते हैं, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट होता है वो भी जानना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, उसमें मैंने सभी डिटेल दे रखी है. सो गाइज, अभी प्रोजेक्ट बन चुका है, अब टाइम है डिप्लॉय करने का. तो उसके लिए वन ऑफ माय फेवरेट सर्विस इज अ रेंडर, बिकॉज इट्स फ्री एंड इट इजी टू यूज. तो आप इसको यूज कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं. सो अब बात करते हैं फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी पे. जैसा मैंने आगे बताया कि बूटस्ट्रैप, टेलविन सीएसएस, रिएक्ट नेटिव, ये सब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज है, आप इसका यूज कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं. सो गाइज, आपने सभी टेक्नोलॉजी सीख ली, HTML, CSS, JavaScript, उसके बाद आपने फ्रेमवर्क सीखा, बूटस्ट्रैप, टेलविन CSS और प्रोजेक्ट भी बनाया और उसको डिप्लॉय भी किया. अब बारी आती है जॉब और इंटर्नशिप फाइंड करने की. तो वन ऑफ माय फेवरेट इज LinkedIn, आप सब जानते ही होंगे. सो आप LinkedIn में इजीली जॉब और इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हैं, ऑल्सो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं. अब लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज सैलरी. सो इन इंडिया स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर गोज टू 7 LPA, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन लोकेशन एंड देयर स्किल्स. सो मेक श्योर स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन CSS, JavaScript एंड HTML. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. आप ऐसे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. डोंट फॉरगेट गाइस.